देखो, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईफोन 8 को लेके। क्या आईफोन 8 लिए 2022 में भी एक बेस्ट आईफोन हो सकता है? अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे 10 ऐसे रीजंस जो आपको ये आईफोन लेना चाहिए, आप ले सकते हो आप अगर बजट रेंज में यार इसको खोज रहे हो तो। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखो, आपको यहाँ पे सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखो। एंड बात करते हैं यार सबसे पहले बजट फ्रेंडली आईफोन। देखो, अगर आप सोच रहे हो बजट रेंज में इसको खोजने के लिए, तो आपको यहाँ पे ये देखने मिल जाएगा 15K से 17K है। एंड ये भी डिपेंड करता है यार कलर वेरियंट पर। देखो यार, गोल्ड वेरियंट एंड सिल्वर, देखो सिल्वर का क्या है, आपका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकता है, 17 से लेकर 18K तक आपको देखने मिलता है। एंड यहाँ पर देखो, जो सिल्वर है आपको 15K तक यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा। वो भी डिपेंड करता है आप देखो यहाँ पे कहाँ से ले रहे हो। और ये अगर बात करूँ यहाँ पे फास्ट चार्जिंग को लेके एंड यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग को लेके, तो ये आईफोन 8 और 8 प्लस यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। और इस आईफोन में भी यार आपको जो है वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने मिल जाता है। अगर देखा जाए यहाँ पे गेमिंग को लेके, तो यार गेमिंग यहाँ पे अगर आप देख रहे हो आईफोन 8 पे, तो एवरेजली मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे 7 को लेके, मैंने 7 के साथ भी यहाँ पे गेम्स खेला है एंड आई नो कि उसमें कैसा चलता है। तो जब यहाँ पे मैं कंपैरिजन करता हूँ, तो देखो आईफोन 8 यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता है। मैं उसका कंपैरिजन भी यहाँ पे लेके आऊँगा किसी अगली वीडियो में, आपको बताऊँगा उसका, कंपेयर करूँगा पूरा। एंड यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अगर मैं बात करूँ टेम्पल रन की, ले लो कैजुअल गेम्स जो भी हो गया यहाँ पे, चाहे वो सबवे सफर्स हो गया, कोई भी ऐसा गेम यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं करता। एंड अगेन देखो यहाँ पे अगर BGMI की बात करूँ, स्पेशली जो लोग ये सोचते हैं कि BGMI के लिए क्या ये बजट में यार सही रहेगा, तो देखो अगर मैं बात करूँ देखो ग्राफिक्स को लेके, क्योंकि ग्राफिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखो यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम में आप आराम से खेल सकते हो, जो लास्ट यहाँ पे ग्राफिक्स जा सकता है वो HDR अल्ट्रा तक जा सकता है। एंड यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता अगर आप खेलते हो तो। मेरे तो यहाँ पे मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, उस पर बात करूँगा यार BGMI को लेके आईफोन 8 पे। एंड नेक्स्ट मैं बात करता हूँ देखो यहाँ पे ऐप्स के सपोर्ट्स को लेके, तो मोस्टली जितने भी ऐप्स आप आज की डेट में देखो तो यहाँ पे कंपैटिबल है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा भी कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाला, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो क्रोम हो गया, कैसा भी पेमेंट ऐप हो गया, कैसा भी कुछ भी ऐसा ऐप हो गया, आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपको जो ऐप्स का इशू देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो यार iOS 16 का अपडेट इसमें मिलने वाला है। तो मोस्टली देखो यहाँ iOS 14 तो एटलीस्ट चाहिए होता है, 13-14 मैक्सिमम यहाँ पे जो भी iOS वर्जन आज के डेट में चाहिए होता है। 12 पे शायद ही कुछ ऐप्स यहाँ पे रन कर रहे हैं, एंड उनका सपोर्ट भी यार फ्यूचर में यहाँ पे देखो देखने नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे WhatsApp को लेके, YouTube को लेके, Instagram को लेके, तो यहाँ पे सपोर्टेड है iOS 12 पे, बट कब तक है आई डोंट नो। एंड अगर देखो मैं आईफोन 8 की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैमरा को लेके, तो देखो कैमरा भी इसका अगर देखो यहाँ पे, तो मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक किए हैं एंड फ़ोटोज़ के डिटेलिंग यहाँ पे अच्छे आते हैं। एंड मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, तो आप देख सकते हो जो क्लैरिटी है, जो डिटेलिंग है यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक और इमेज आपको लेके आता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पे, देख सकते हो जो आई पे देख सकते हो यहाँ पे इमेज जो है वो भी आपको क्लियर यहाँ पे दिखता है। एंड दूसरे एक फ़ोटो की बात करूँ, यहाँ पे मैंने कैप्चर किया था, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, देख सकते हो ये चीज़ थोड़ा क्लियर है। एंड यहाँ पे आप मैंने आप कहीं रीटच नहीं किया, जो आपको आप साइड पे इमेज देखने मिल रहा होगा। एंड लास्ट एक और इमेज है जो मैं क्लिक किया हूँ, मैं आपको अगर वो दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो डिटेलिंग है यार बहुत सही से दिखा है, एंड ये आपको साइड में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कोई रीटच नहीं किया है आपको, हालांकि यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा बेटर, क्योंकि यार लाइटिंग कंडीशन की वजह से हो सकता है अभी जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अगेन देखो यहाँ पे जो इसका वीडियो है, अगर मैं बात करूँ तो देखो यार वीडियो भी सही आता है। एंड मेरे को सबसे अच्छा इस चीज़ से लगा यहाँ पे देखो जो कलर जो होता है यहाँ पे, जो कलर टोन होता है वो यार पकड़ता है अच्छा से। तो यहाँ पे एवरेज फोटोग्राफी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सोशल मीडिया को लेके, कोई भी ऐप हो सकता है, वो इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, स्नैपचैट हो सकता है, बहुत इजीली आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा डे टू डे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एंड देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम में यहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ यहाँ पे एक एक मिनट के वीडियोज़, जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं, अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूँगा। एंड यार प्लीज़ आके आप फॉलो भी यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ पे कोई भी ऐप, अगर आप बात करो सोशल मीडिया की, तो अगर बात करो स्नैपचैट की भी, तो यहाँ पे स्नैपचैट भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे सारे फिल्टर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखा कि देखो यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी ड्रेन हो रहा था मेरा, बिकॉज अब यहाँ पे देखो मेरा बैटरी हेल्थ नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा था। बट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एंड ओवरऑल देखो यार सोशल मीडिया के लिए हो तो एवरेज यूज़ के लिए, आप एवरेज यूज़ में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। एंड अगर मैं नेक्स्ट आपका बात करूँ यहाँ पे देखो म्यूज़िक को लेके, तो देखो ये आपके ऊपर है आप किस म्यूज़िक ऐप को सुनते हो, बट यहाँ पे आप स्पॉटिफाई भी सुन सकते हो। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक को लेके, एप्पल म्यूज़िक को लेके, तो यहाँ पे आपको
देखने मिलता है यहाँ पे लॉसलेस का सपोर्ट एंड यहाँ पे स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट। तो देखो लॉसलेस एक अलग सा एक हाई रेस ऑडियो है जो कि आपको, देखो यार जब भी लॉसलेस आप सुनते हो तो आपको एक्सटर्नल डैक वगैरह चाहिए होता है, तो वो चीज़ आप जो लगा के जो है यहाँ पे सुन सकते हो। एंड मैं बात करूँ स्पेशल ऑडियो की, तो देखो स्पेशल ऑडियो के लिए भी अलग से आपको चाहिए होगा एयरपॉड्स। ऐसा डॉल्बी एटमॉस का यार किसी भी आप हेडफोन पे मज़ा ले सकते हो, बट जब आप स्पेशल ऑडियो की बात कर रहे हो तो यहाँ पे जो मज़ा है ना गाइस वो एयरपॉड्स के साथ आता है, बट एज आप नॉर्मली भी सुन सकते हो। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे देखो iOS 16 को लेके, तो देखो iOS 16 का अपडेट इस साल जो है गारंटीड हम लोग को देखने मिलेगा। यहाँ पे मेरा अपडेट आगे रखा हुआ है 15.5 का, जो कि मैंने अपडेट नहीं किया, और मैं अपडेट करने के बाद यहाँ पे इसका एक जो है डिटेल जो यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा आईफोन 7 के साथ, जो एक लिजिट कंपैरिजन होगा दोनों में iOS 15 एंड 15 को लेके। एंड आपको iOS 16 की वीडियो भी यार यहाँ पे देखने मिलेगा, जो कि मैं यार कुछ दिन बाद यहाँ पे इस चैनल में लेके आऊँगा। तो इसके लिए आपको करना होगा यार सब्सक्राइब, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको यार फ्यूचर में यार iOS 16 की वीडियोज़ यहाँ पे लेके दिखाने वाला हूँ। एंड देखो यार iPhone 7 पे इस बार अपडेट जो नहीं आया iOS 16 का, तो यार इस iPhone में तो आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा। मैं फ्यूचर में आप जो iOS 16 के वीडियोज़ यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। अगर देखो मैं नेक्स्ट बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये आईफोन जो आईफोन 8 यहाँ पे बहुत फास्ट है अगर कंपेयर करो किसी भी प्रीवियस जनरेशन आईफोन के, या वो 6 भी हो सकता है, वो 6s भी हो सकता है, या वो 6s प्लस आओगे यहाँ पे कोई भी आईफोन, यहाँ पे देखो 6, 7 जो भी है, तो यहाँ पे आईफोन 8 फास्ट है क्योंकि देखो यहाँ पे हमको मिलता है A11 का चिप। एंड मैं तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्पीकर्स को लेके, अगर आपने iPhone 7 यूज़ किया है तो आपको ये पता होगा। देखो मेरे पास भी iPhone 7 है, तो मैंने उसको यूज़ किया है, तो मेरे को पता है जो उसका स्पीकर है स्टीरियो स्पीकर आपको देखने मिलता है टॉप पे भी एंड बॉटम पे भी। तो यार इसको स्टीरियो स्पीकर यार बहुत ही लाउड है अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे iPhone 7 को लेके। अगर आप सोच रहे हो कि कौन सा स्पीकर यहाँ पे अच्छा रहता, देखो स्टीरियो स्पीकर में अगर बात करूँ मैंने टेस्ट किया है तो iPhone से जो बेटर 7 से जो है यहाँ पे iPhone 8 पे आपको यहाँ पे देखने मिलता है। अगर नेक्स्ट में बात करूँ होम बटन की, तो होम बटन एक बहुत ही बेस्ट एक वे है यार अनलॉक करने का आईफोन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 6 को ले लो, 6s को ले लो, 6s प्लस को, जितने भी आईफोन्स को आप ले लो यहाँ पे, इवन यहाँ पे आईफोन SE 2020 आज के डेट में आपको जो है टच आईडी का सपोर्ट देखने मिलता है, ये इस चीज़ के लिए सही होता है। एंड देखो यहाँ पे लास्ट में अपना थॉट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो जो भी यहाँ पे अगर आईफोन आप लेने चाहते हो यहाँ पे, अगर आईफोन 8 लेने की प्लान कर रहे हो, तो देख लो यहाँ पे जो छोटा डिस्प्ले है, एंड अगर आपको ये डिस्प्ले सही लगता है एंड अगर आपको iOS 16 चाहिए, तो आप इस आईफोन पे जा सकते हो बजट रेंज में। एंड गेमिंग के लिए देखो अगर आप सोच रहे हो कि BGMI यहाँ पे चल जाएगा, तो चलेगा ऑब्वियसली, जो मज़ा आना चाहिए अगर आप बिगर स्क्रीन की बात करो तो वहाँ पे बहुत अच्छे देखने मिलता है। गेम प्ले खेल के भी मैंने खेला है तो मेरे को पता है दोनों में आपको अच्छा मिल जाता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि एक आईफोन चाहिए बजट रेंज में, अगर आप आईफोन 7 पे नहीं जाना चाहते, 6s पे नहीं जाना चाहते, तो इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है। एक और लास्ट चीज़ देखो यहाँ पे प्राइसिंग को लेके मैं बात कर रहा हूँ। देखो प्राइसिंग अगर आपको 15 से 17k में देखने मिला तो आप ले सकते हो, बट अगर आप 256GB यहाँ पे देखने जा रहे हो, तो यहाँ पे मैं मना करूँगा लेने के लिए। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, आईफोन SE 2020 ले सकते हो, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे 20k में भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है 64GB। एंड ये कि अगर देखो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपका ओपिनियन क्या है आईफोन 8 को लेके, आप लोगे नहीं लोगे एंड क्या है, जो भी कुछ है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, और क्या वीडियोस चाहिए फ्यूचर में आईफोन 8 के वो भी बता सकते हो। एंड लास्टली देखो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।